गाइस क्रेजी माहौल, क्रेजी माहौल है इस वक्त, क्रेजी माहौल। मैं बता रहा हूँ, मजा आ गया। बिटकॉइन ने ब्रेकआउट दिया है बहुत गंदा वाला, एंड आई विल शो यू लाइक आई हैव बुक द प्रॉफिट्स इन अ वीक, ऑलमोस्ट इन अ वीक नाउ, नॉट इन अ वीक, इवन 3-4 डेज आई हैव बुकड अराउंड 260% ऑफ प्रॉफिट इन बिटकॉइन। आई विल शो यू अभी के अभी आई हैव जस्ट बुकड अराउंड 55% प्रॉफिट। सो गाइज आप देख रहे हो ये गाइज क्या बोलूँ, मजे आ गया यार, कसम से बता रहा हूँ। मैं आपको ना बिटकॉइन की ट्रेड दिखा रहा हूँ। बेसिकली गाइज आज बिटकॉइन ने धमाल मचा दिया है। मैं पूरा वीलॉग डालूंगा, पूरी ट्रेड डालूंगा। पहले मैं देखूँ कि मुझे प्रॉफिट तो बुक नहीं करना। आज बहुत खतरनाक बुलिश मोमेंटम मिला है बिटकॉइन पे, बहुत ही ज़्यादा बुलिश। बेसिकली मेरा सेकेंड स्टॉप लॉस मैं यहाँ रख रहा हूँ। देखते हैं अपनी बची हुई क्वांटिटी एग्जिट मारता हूँ कि नहीं मारता हूँ। गाइज मैं आपको 1 डे की कैंडल दिखा रहा हूँ। ये ना स्क्रीन छोटी पड़ गई है मेरी, एक्चुअली बहुत भयंकर मोमेंटम आया। आप देखो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी बुक मारी है, पूरी ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा गाइज मैं। व्हाट्सअप 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 गाइस, तो फिर देखेंगे मार्केट ये क्या हाल चाल है। तो बेसिकली आज ये जो वीलॉग है मैंने जो सोचा था बनाने का, ये बिटकॉइन के ऊपर है। और इस पूरे एक हफ्ते के अंदर बिटकॉइन ने बहुत तोड़ मोमेंटम दिया गाइस, और मेरा बहुत अल्टीमेट प्रॉफिट बुक हुआ है। एक पॉइंट पे तो मेरा जो बिटकॉइन इथेरियम से जो आरओआई था वो था अराउंड 260% आरओआई। मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप स्क्रीनशॉट देख लेना, क्योंकि जो बोलते हैं हम सच बोलते हैं, सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलते। बाकी गाइज मैं अपनी बिटकॉइन बाइंग एंड सेलिंग दिखाने वाला हूँ, कैसे मैं सोचता हूँ, कैसे मैं खरीदता हूँ, कैसे मैं बेचता हूँ, क्या टाइम फ्रेम होता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है। बेसिकली ये पूरा वीलॉग मेरा बिटकॉइन के ऊपर है एंड क्रिप्टोज के ऊपर है। तो गाइस जो भी न्यू है प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बेल आइकन होगा ठोक के उस पर हिट कर दो, क्योंकि मैं आपको सब फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड इतना तो बनता है, बहुत अल्टीमेट चीज़ें बताने वाला हूँ क्रिप्टोज में, पूरी चार्ट पे समझाऊंगा। एंड कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं बता दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे यू कैन जस्ट पिंग मी, आई विल टेल यू। एंड गाइस देखते हैं कि स्क्रीन पे हम लोग बेसिकली एनालाइज करेंगे। अभी मैंने आपके सामने वीकली चार्ट खोल रखा है। अगर हम वीकली चार्ट को एनालाइज करें ना गाइस, तो आप देखो कि ये ना एक सेलिंग ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये देखो, ठीक है। तो हुआ क्या था 2018 में ना, 2018 में कुछ ना कुछ इसकी प्राइस 22,870 USD था। तो बट उस समय इग्नोर हो गए थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि बिटकॉइन एक फेक है, बबल है, ये है वो है। बट कोई बात नहीं, अब देख इतना सीरियसली नहीं लिया था मैंने भी। तो अगर आप देखो ना गाइस, तो यहाँ पे इसने क्या किया, मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस देता हूँ। 2022 के अंदर, 2022 से थोड़ा पहले इसने ना 70,000 USD का ऑल टाइम हाई मारा था। ये देखो ये इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है, जो कि इसने ऑलमोस्ट ब्रीच भी कर दिया है और अब वापस से उसके लेवल को क्रॉस करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो गाइस मेरी जो पहली बाइंग थी ना इसमें, वो मेरी पहली बाइंग थी यहाँ पे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेरी बाइंग्स का, उसके बाद ना बेसिकली मैं आपको लेवल्स दूंगा, ठीक है। तो रीज़न क्या था, अगर आप ध्यान से देखो ना गाइज, यहाँ पे इसने ये वाला जो इसका एरिया है ना, ये वाला 24,508 USD का, ये ना गाइज रेजिस्टेंस की तरह अच्छा एक्ट करा था। और इसने आगे जाके यहाँ पे देखो इसको सपोर्ट भी बनाया है। जब इसने यहाँ पे जाके इसको सपोर्ट बनाया ना, मैं समझ गया कि भाई एरिया वैल्यू से बढ़िया है, अब यहाँ से बाइंग शुरू हो गई है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब इसने अपने ये वाले को, इस वाले हाई को ब्रेक करा ना, तो गाइज़ अगेन आप देखो कि बढ़िया ब्रेक करके ना, इसको एक्चुअली आना तो चाहिए था वापस से रीटेस्ट करके जाने का, लेकिन इसने गया नहीं। तो मेरा जो पहला प्रॉफिट बुकिंग थी ना गाइज़, वो मेरी पहली प्रॉफिट बुकिंग इस वाली कैंडल पे थी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ से बढ़िया सेलिंग हुई है, इस वाली कैंडल से देखो अब ब्रेक करके इसने रीटेस्ट करके फिर से ऊपर गया है। तो जो मेरी सेकेंड बाइंग थी गाइज़, वो इस वाले रीटेस्ट पे थी, ये वाला रीटेस्ट था मेरा, ठीक है। और जो मेरी थर्ड बाइंग थी गाइज, वो मेरी ये वाली रीटेस्ट पे थी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है इस रीटेस्ट का। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये थर्ड वाला जो ऊपर आप ये वाली जो बाइंग है, बेसिकली आप देखो ये ना, यहाँ पे दूर से भी चेक करो तो अपने रेजिस्टेंस को बेसिकली इसने सपोर्ट बनाया, ठीक है। और यहाँ से इसने वापस से बाइंग करी है, ठीक है। अगेन सेम देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने ना अपने बढ़िया जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये जो यहाँ पे सेलर्स घुसे हुए हैं, इसको सपोर्ट बनाया और यहाँ से बाइंग शुरू हुई अच्छी खासी, ठीक है। पहला लॉजिक तो ये था एरिया वैल्यू का। दूसरा, मैं इसको थोड़ा टाइम फ्रेम कम में लाता हूँ। इसमें देखो ना इस बार 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 आप देखो क्या हो क्या रहा है ना, बार 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 इसमें ना
देखो 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 40,000 से 41,496 तक ना इसने क्या किया, बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाया, ट्रिपल बॉटम बना के ऊपर को गया। तो ट्रिपल बॉटम बनाया, बढ़िया सपोर्ट है, बढ़िया यहाँ पे मेरी बाइंग हुई थी। फिर जो मैंने पहला प्रॉफिट राइज बुक किया था, वो मैंने अपना पहला प्रॉफिट यहाँ पे फिर बुक किया था समवेयर अराउंड इस लेवल पे, इस वाले लेवल पे बुक किया था। एंड हुआ इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ मैं क्या था, सॉरी यहाँ पे कहीं था मेरा, इसके पीछे का बस मेरा रीज़न ये था गाइस कि बेसिकली एक तो पहले सबसे बड़ा रीज़न था कि भाई प्रॉफिट देखो बुक कर लेना चाहिए आपको, अगर प्रॉफिट आपको बुक करना ही चाहिए जैसे आप, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, लालच में फंस जाते हैं। तो मेरा कुछ ऐसा खास था नहीं भाई, मुझे तो प्रॉफिट बुक करना ही होता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट की कैंडल पर क्या हुआ था, ये देखो गाइस। सो जब आप देखो ना, ये वाली मेरी कैंडल थी जहाँ तक मुझे याद है, ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है इस वक्त, ये वाली, जब ये इसकी 60% को इसने खा लिया ना, मैं समझ गया कि भैया यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया। फिर आप यहाँ से देखो डबल बॉटम सपोर्ट बनाया था इसने फिर से यहाँ पे ना, हम इसको एक काम करते हैं थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर इसने क्या किया, डबल बॉटम बना बना के बना के, रेजिस्टेंस जब इसने सपोर्ट जब ब्रेक करा, नीचे गया ऊपर आया, ठीक है। फिर इसके बाद जो हुआ था ना, इसके बाद मैं आपको मतलब 1 डे की कैंडल पे क्या हुआ है, इसने इसको सपोर्ट बनाया है अपने रेजिस्टेंस को। अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले रेजिस्टेंस को भी सपोर्ट बनाया, तो मैंने यहाँ से एक बाइंग करी थी और एकदम फट के ऊपर को भागा, ठीक है। अब ये देखो अपने ऑलमोस्ट 17,000 के सपोर्ट पे है, तो मैंने अपनी नेक्स्ट जो प्रॉफिट बुकिंग करी थी वो मेरी इस, मैंने इसके ऑल टाइम हाई पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, ठीक है। क्योंकि अगेन यहाँ से थोड़ा गिरेगा, देखो इतना बढ़िया यहाँ से नीचे ड्रॉप आया और फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। हम मैं आपको नए लेवल्स देता हूँ, एक्चुअली लेवल्स में देखो क्या करना है अपन लोगों को, ये भी ऑल टाइम हाई पे है ना, तो हम 15 मिनट की कैंडल पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, पहला इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ये है, ठीक है, ऑलमोस्ट 70,000 USD, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या कर रहा है, देखो यहाँ से ना सेलिंग हो रही है, बढ़िया ट्रेंड लाइन सेलिंग चल रही है, ठीक है। देखो सेलिंग चल रही है। अब बेसिकली अगर आपको बाइंग करनी है ना, तो ये आपको देखो एक तो, एक मिनट ठीक है, ये हटाता हूँ मैं, ये जो है ना इसको हटाते हैं, साफ़ करते हैं। हाँ अब देखो हो क्या रहा है ना, इसको थोड़ा मैं आपके लाइव एनालिसिस पे जाता हूँ, मैं ना लाइव एनालाइज कर रहा हूँ, ऐसे कुछ करके नहीं बैठा, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। देखो प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है, एक तो यहाँ से ना ये ट्रेंड लाइन बाइंग हो रही है बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ये ट्रेंड लाइन बाइंग हो रही है, लेकिन इसने यहाँ से इसको तोड़ दिया है, उस ट्रेंड लाइन का साथ छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है ना, अपनी एरिया ऑफ वैल्यू से बाइंग कर रहा है, कैसे, ये यहाँ से प्रॉपर बाइंग करके ऊपर जाना चाहिए था इसको, ठीक है, लेकिन ये नहीं किया। इसका मतलब मार्केट वीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, मार्केट आपकी वीक है, नहीं तो यहीं से बाइंग हो जाती, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो आपका ये है ना, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये है कि अगर ये इस सपोर्ट लेवल से बाइंग दिखती है आपको, बढ़िया ग्रीन कैंडल दिखती है, ठीक है, तो आप पहली बाइंग यहाँ कर सकते हो। देखो मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपको लॉजिक लगा के दिखा रहा हूँ कि मैथमेटिकल लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग कैसे होती है स्टॉक मार्केट में। तो पहला लेवल तो हमारा ये बनेगा, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, बाइंग का। दूसरा लेवल जो हमारा बनेगा बाइंग का गाइज, वो बनेगा हमारा कहीं ना कहीं ये वाला एरिया ऑफ वैल्यू, ये वाला देखिए, इसको भी ये सपोर्ट बना सकता है और वापस ऊपर जा सकता है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज़ है, दूसरी बाइंग की बनेगी। अब यहाँ पे क्या है ना, एक तो यहाँ पे आप चीप चीप बहुत चीप में बाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये अभी ना बेसिकली फंसा हुआ है ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो अगर आप देखो ट्रेंड लाइन से सेलिंग आ रही है इसकी, तो मैं तो जो प्रेफर करता हूँ बाइंग लेवल्स वो कर, जो क्योंकि इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया ना हमें, तो अब ये थोड़े नखरे भी दिखाएगा, हम इसको 5 मिनट में आ जाते हैं, 5 मिनट में और तगड़ा एनालाइज करते हैं इसको। देखो 5 मिनट में भी गाइज अगर आप ध्यान से देखो तो 200 मूविंग एवरेज जो मैंने बनाया था एरिया ऑफ वैल्यू सेकंड नीचे वाला, ठीक है, ये वाला जो है इधर आके रुक रहा है, तो यहाँ से बाइंग हो सकती है, उसके ऊपर वाला वो है। तो ये ना आपका, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको ना कम सस्ते से सस्ता लेना और महंगे से महंगा बेचना है ना, यही तो होता है प्रॉफिट, और क्या, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो आपका पहला जो सेलिंग लेवल आने वाला है वो ये आएगा, जो कि मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। इसके बाद इधर अब आपका जो, अगर आप यहाँ से बाइंग कर रहे हो तो आपको जो पहला जो सेलिंग लेवल होना चाहिए, मतलब सॉरी दूसरा वाला, तो ऊपर वाला होगा ये, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, पहला ही होगा, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करके अगेन यहाँ से कहीं ना कहीं, यहाँ से बाई इसको क्रॉस करता है और यहाँ से बाई करता है या फिर सपोर्ट बनाते हैं कंसोलिडेट होता है, तो आराम से इसको भी ये क्रॉस करके ऊपर को जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको होल्ड कर सकते हो, और मोस्टली जो उसकी प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट कमिंग फ्यू वीक्स के लिए, तो ये ना रोज़ रोज़ एनालिसिस तो देखो होगा नहीं बिटकॉइन का, क्योंकि ये बढ़िया मोमेंटम में ऊपर की तरफ भाग चुका है और भागता ही रहेगा, ठीक है। इस तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो मेरी बाइंग तो हो चुकी थी यहाँ पे फिर से, ठीक है, ठीक है। अब ये मैं तो होल्ड करके बैठा हूँ, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमें ये कहाँ तक जा सकता है ना। अब देखो ऊपर का कोई एरिया है नहीं, ठीक है, ऊपर का कुछ भी नहीं है हमारे पास ना, तो हम ऊपर के लिए क्या कर सकते हैं, या तो फिबनाची एक्सटेंशन लगा सकते हैं, ठीक है, या कोई भी अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान हम लगाएंगे ना, फिबनाची एक्सटेंशन हम लगा सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो एक मिनट, लेट मी पुट दैट टेक्निकल्स सब छोड़ो,
तो गाइज हम यहाँ क्या कर सकते हैं ना, फिबनाची एक्सटेंशन लगा सकते हैं, ठीक है, ये रहा। तो अब बेसिकली इसका जो स्विंग पकड़ेंगे हम ना, इसका हम स्विंग देखेंगे, ये स्विंग लेंगे हम लोग, पहला स्विंग, ठीक है, और इसका टोटल हाई। तो हमारे पास इसके एक्सटेंशन फिब लेवल्स आ गए हैं जो कि इस तरीके से हैं। तो गाइस हम क्या करेंगे, अब देखो ऊपर के लेवल तो ख़त्म हो चुके हैं, है ना। अगर आप देखो यहाँ से तो सेलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, तो हम एक्सटेंशन लगाएंगे फिबनाची का, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ से तो जो पहला लेवल निकल रहा है, जो 70,000 के ऊपर का लेवल जो पहला निकल रहा है हमारा, वो निकल रहा है, पहले तो हम इसको करेंगे वीकली से हटा के 15 मिनट पर कर लेते हैं, थोड़ी अच्छी विजिबिलिटी होगी, ठीक है। इस पहला जो लेवल हमारा निकल रहा है फिबनाची का यहाँ से, वो निकल रहा है 7095, फिर 74596, 77381 एंड 79632, ठीक है। ये सारे लेवल्स हैं, चाहे तो मार्क कर लो 81, 83, 85, 87, 89, 169, ठीक है गाइज। लेकिन लॉन्ग टर्म में ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1,00,000 USD के आसपास जाएगा बड़े आराम से, फिर जाके थोड़ा सांस लेगा, क्योंकि इसने बहुत टाइम से कंसोलिडेशन दिखाया है, ठीक है। और बहुत टाइम से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ये फटा है, तो मेरी बात ध्यान रखना कि ये कहीं ना कहीं $1,00,000 के पास आसपास जाके वहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है, जिस तरीके से बिटकॉइन में बूम्स आते हैं, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ से जाके ये अपना फिर रिट्रेसमेंट लेगा और नीचे की तरफ आएगा, $17,000 की तरफ। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होना पड़ेगा, और ये जो लेवल्स मैंने दिए हैं ऊपर, 74569, 77381, 79632, 81883, 85 एंड 89 90, ऑलमोस्ट 90, यहाँ तक आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग्स के बारे में सोचना पड़ेगा अगर आपने बाई कर रखा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीलॉग में, जिसमें आई बी गिविंग यू एंड आई बी टीचिंग यू अबाउट द बैंक निफ्टी लेवल्स एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे करते हैं स्कैल्पिंग, लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बम बम भोले, शिवरात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।